नमस्कार। आज पूरे भारत में वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है। प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ प्यार का इजहार कर रहे हैं। एक और पूरे भारतवर्ष में पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। वहीं मुंबई के वैष्णव समाज भवन हॉल में भगवान श्री रामकृष्ण मंदिर के पाठोत्सव का आयोजन किया गया है, जहाँ पर लोगों का आना शुरू हो गया है। और लव विद गॉड, यह मंदिर जगतगुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी, राम नरेशाचार्य जी के सानिध्य में, उनकी उपस्थिति में इस मंदिर की प्रतिष्ठा सेवाड़ी निवासी देव मुरारी परिवार की ओर से 2003 में की गई थी। तभी से निरंतर इस मंदिर का पाठोत्सव प्रतिवर्ष वैलेंटाइन डे के दिन किया जाता है। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। राय रामचंद्राय वेत्से रघुनाथ नाथ नाथाय सीतायां पतये नमः। आरती के पश्चात भगवान को भोग लगाया गया। भगवान रामकृष्ण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के पद प्रतिष्ठित राम नरेशाचार्य जी ने की उपस्थिति में इसकी प्रतिष्ठा हुई थी। अभी राम नरेशाचार्य जी भी यहाँ रामकथा में आके गए हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। तो इतने वर्षों से यह पाठोत्सव चल रहा है, आपको कैसा फील होता है? पहली बात तो ये मंदिर कैसे बना उसकी रूपरेखा मैं बोलना चाहूँगा। इस्कॉन का चेयरमैन था और इस्कॉन का जो मंदिर है हरे कृष्णा का मीरा रोड है, बहुत छोटा मंदिर था। तो मेरे मन में इच्छा हुई कि मेरे आस उधर कोई मंदिर बन जाए, भगवान का बड़ा मंदिर है। तो उधर गुरु जी गोपाल कृष्ण महाराज जी को मैंने बोला कि मैं इधर मंदिर बना दूँ, लेकिन जो भी मेरे जैसा ही मेरे श्रद्धा को वैसा बनेगा। तो वो मेरे दिल में भगवान जी पधार गए थे, तो उन्होंने बोला कि ये इस्कॉन का काम है और इधर वो सिस्टम से होता है। तो कुछ फिर मुझे अपने समाज के भवन में आए तो देखा कि इधर एक मंदिर का ढांचा बना हुआ है। तो मुझे लगा कि इधर भगवान ने जो अंदर आने की इच्छा प्रकट की है तो अभी इधर ही आएगा समाज भवन में।
तो वो मंदिर का ढांचा देख के मेरे दिल में इच्छा जाग रही थी कि क्यों ना मंदिर इधर ही बना जाए और समाज के भी काम में आएगा और सब इधर इतनी शादियाँ होती है और सब जब शादी के बाद दर्शन करते भगवान वो भी आएंगे। तो बस वो इच्छा जागृत भगवान ने की है और भगवान ने जो इच्छा जागृत तो हमने जयपुर से मूर्तियाँ लिखा है और जैसलमेर का पत्थर से इधर पास में भी जब बन रहा था जैन मंदिर सोमपुरा को बोला उसने बना दिया और 2003 में मंदिर की स्थापना बहुत धूमधाम से हुई थी और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है लेकिन हम लोग 14 फरवरी को प्रभु के साथ अपना वैलेंटाइन डे मनाते हैं प्रभु के प्यार के लिए। सर 2003 में आपके माताजी जराऊबाई और पिताजी भगवान दास जी भी इसके साक्षी थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन लेकिन उनके आशीर्वाद से ये हुआ है और आज भी जब आज मैं इधर आया हूँ जो कि मुझे इतना पेन हो रहा है तो भी मैं आया क्योंकि ऊपर वाले ने प्रार्थना की थी ऊपर वाला से मैंने प्रार्थना की थी कि मैं आज कोई भी हिसाब से मंदिर में जाऊंगा ही तो आज मैं मंदिर में आया हूँ और मुझे रोज रात को मैं माता जी पर ऐसा आशीर्वाद ले रहा हूँ और भगवान से भी प्रेरणा पूछता हूँ कि मुझे अच्छे से अच्छे काम करने की प्रेरणा मिले मैं अच्छा से अच्छा काम करूँ समाज के लिए लोगों के लिए इसके लिए वो सोच के मैं हमेशा प्रेरणा से अच्छे अच्छे काम करने की सोचता हूँ और आज मैं इधर आया तो मुझे इतना अच्छा फील होता है कि देखो वो 14 फरवरी का जो त्यौहार है वो समाज के लिए परमानेंट त्यौहार बन गया है पाठोत्सव हमेशा के लिए मनाया जाता है धूमधाम से मनाया जाता है और इसी तरह से मनाया जाएगा आगे भी यही मेरी इच्छा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद।